ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। अब इस कड़ी में केएल राहुल का नाम जुड़ गया है। शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न में नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाएं कलाई पर मोच आई है। इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा। केएल राहुल को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 3 सप्ताह लगेंगे। राहुल अब भारत लौटेंगे और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजरेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल को सिडनी टेस्ट में हनुमा विहारी की जगह अंतिम एकादश में रखा जाएगा। विहारी ने पिछली 3 पारियों में 45 रन ही बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान चोटिल होने के बाद तेज गेंदबाज उमेश यादव और मोहम्मद शमी पहले से ही बाहर हो चुके हैं। नियमित कप्तान विराट कोहली इन दिनों पितृत्व अवकाश पर है। वहीं रोहित शर्मा पहले दोनों टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब प्लेइंग 11 में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें चेतेश्वर पुजारा की जगह उपकप्तान बनाया गया है और वे सिडनी टेस्ट में शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं।